ना मिले पीछा छूट जाए। एक बजे मिली सभी लोगों को, सब लोगों ने वीडियो बना के डाल दिया कि हाँ हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे। सिर्फ वजह ढूंढ रहे थे सब लोग कि हाँ किसी वजह से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों थोड़ा पंखा चल रहा है तो थोड़ी आवाज़ धीमे जाएगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ख़राब लड़की की, क्या बताएं। पूरे यूट्यूब पर ताल का मजा के रख दी है, इतनी उसके लिए तो गाली ही निकल रहा है, क्या बताएं। छोटे यूट्यूबर के लिए इतना बड़ा मुसीबत खड़ा कर दी है उस लड़की ने, ना कि पूरा यूट्यूब को ताल का मजा के रख दिया। उसके लिए तो गलिए निकल रहा है कि गाली ही दी, पता नहीं क्या कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, भाग गई या क्या की, कुछ तो पता नहीं है कि कहाँ तक चली गई और पूरा यूट्यूब को गंदा करके और बर्बाद करके चली गई। पता नहीं कहाँ, अपने तो मौज कर रही होगी, जहाँ भी होगी किसी यार के साथ होगी या पता नहीं कहाँ होगी, अब पता नहीं कहाँ पर है। दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ एक गंदी सी लड़की के बारे में। आप सबने उसका वीडियो, मतलब उसका नहीं, उसके बारे में सुना होगा कि आ रही थी कन्हैया से मिलने, कन्हैया जी से मिलने आ रही थी, तो पता नहीं रास्ते में कहाँ गुम हो गई। उसके वजह से कितने लोगों, कितने छोटे यूट्यूबर को कितनी दिक्कत हो रही है। सब यूट्यूबर, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, सब ने मना कर दिया वीडियो बनाकर, किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। ये एक लड़की की वजह से कोई किसी से नहीं मिलेगा। बहुत यूट्यूबर रहते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर रहते हैं, आस लेकर जाते हैं हम बड़े यूट्यूबर के साथ जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, थोड़ा मेरा चैनल मोनेटाइज या बढ़ जाएगा, थोड़ा व्यूज आने लगा, बहुत आस लेकर आते हैं। पर उस गंदी लड़की की वजह से, उस एक हरामजादी कुतिया एक लड़की की वजह से गलिया निकलना, क्या बताएं दोस्तों, बहुत परेशान हो गए हैं। उसके वजह से बहुत लोगों, बहुत छोटे यूट्यूबर की आस टूट गई है, जो दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए सबसे, कि हम जाएंगे इनके साथ मिलेंगे, उनके साथ मिलेंगे, ये अभी वो सोच कर आते हैं, उन लोगों का बेचारे का आस टूट गया है। और इस लड़की की वजह, सिर्फ एक लड़की की वजह से, और यूट्यूबर की भी गलती नहीं है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो लोग तो बहाना ढूंढ ही रहे थे कि कैसे भी करके यूट्यूबर से ना मिलना पड़े, छोटे यूट्यूबर से ना मिला पीछा छूट जाए। एक बजे मिली सभी लोगों को, सब लोगों ने वीडियो बना के डाल दिया कि हाँ हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे। सिर्फ वजह ढूंढ रहे थे सब लोग कि हाँ किसी वजह से। उन लोगों का तो फायदा, पर वो भी कहीं ना कहीं सही हैं, सब लोग कहीं ना कहीं सही हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मतलब फंस जाए, हम फंस जाएँ बिना गलती बिना बिजाए के। अब देखिए कन्हैया जी के, मतलब वो तो अपने घर पे थे, वो तो बुलाए ही नहीं थे उसको, उस लड़की की गलती थी, वो वहाँ तक नहीं पहुँची, उनके घर तक नहीं पहुँची, तो उसमें कन्हैया जी क्या कर सकते हैं। पर ये बड़े यूट्यूबर की भी ये लोग चाल है, ये हम यही कहना चाहते हैं, बड़े यूट्यूबर की ये चाल है कि हम मिलना नहीं चाहते किसी से। अब बहाना मिल गया उन लोगों को भी, पीछा छूट गया एक इस लड़की की गलती की वजह से, उन लोगों को बहाना मिल गया, उन लोगों को पीछा छूट गया कि अब नहीं मिलना पड़ेगा किसी को। और दोस्तों ऐसे मतलब मना करते बड़े यूट्यूबर कि हम नहीं मिलना चाहते, सब लोग कहते थे घमंडी है, ये है वो है, अब तो उनको बहाना मिल गया है। तो सब लोग अगर मना करते हैं कि हम नहीं मिलना चाहते आपसे, तो सब लोग घमंडी हैं, ये वो कमेंट करते थे, अब सबको सीधा सीधा बहाना मिल गया कि हम फंसना नहीं चाहते हैं किसी से मिलकर, हम फंसना नहीं चाहते हैं। अब कोई भी, ये सच बात है, कोई भी नहीं फंसना चाहेगा। और उन लोगों को, सब बड़े यूट्यूबर को समझ लीजिए, बहुत बड़ा रीज़न मिल गया किसी से ना मिलने की, बहुत बड़ी वजह मिल गई। उन लोगों को तो अच्छा है, बस यही छोटे लोगों को दिक्कत हुई है इस लड़की के वजह से, जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको दिक्कत हुई है। अब बेचारे किसी के घर नहीं जाते, सब लोगों ने वीडियो बना के सीधे सीधे मना कर दिया है कि हमारे घर मत आना, हमारे घर मत आना, दिक्कत हुई है। तो बेचारे जो छोटे यूट्यूबर हैं उन लोगों को दिक्कत हुई इस लड़की की वजह से। लड़की अगर मिल जाएंगी तो हम तो उनके बराबर नोच लेंगे, जो इतना बर्बाद कर देनी है इन सबको। बेचारे जो छोटे लोग हैं, हम भी एक छोटे यूट्यूबर ही हैं, तो हम भी यही कहना चाहते हैं उस लड़की के, अगर मिल जाएगी तो हर हम बरवा और नोच दे भाई, जो एकदम तबाही मचाई दे रहा है यूट्यूब पर, क्योंकि उसे अब मिली ना ही, कोई किसी से अब नहीं मिलना चाहता। दोस्तों सब लोगों ने साफ साफ, आप लोगों ने मालती भाभी, कन्हैया जी, रजनी कौशल, और ये छुटकी भाभी, राज भैया, और ये उनका, अरे उनका नंबर नहीं आ रहा, प्रिया भाभी, प्रिया भाभी, अमरनाथ भैया, सब लोगों ने मना कर दिया। सब लोगों ने, मतलब जिन लोगों को मैं जानती हूँ, उन लोगों का वीडियो देखती हूँ, इन सब को मैं वीडियो देखती हूँ, तो इन सबको बता दूँ, और बहुत लोग होंगे कि सब लोग जान लीजिए, सब लोग मना कर दिए हैं
कि अब हम कान पकड़ते हैं, किसी से नहीं मिलेंगे। अब छोटे यूट्यूबर कहाँ जाए, किसके पास जाए, तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास आए चैनल अपना वो करवाने, वहाँ बताइयो तुम्हारे पास आए, कहाँ हो तुम, वीडियो अगर देख रही हो तो छोटा वो खा ले, मिल जाएगी तो। दोस्तों मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि उस लड़की को जहाँ भी देखिएगा बिना दो झापड़ मारे छोड़िएगा नहीं। बहुत लंबा हो रहा वीडियो, तो मैं अगली वीडियो में कुछ कहूँगी आपसे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा।